सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, एडिट अ फोटो पे आपको क्लिक कर देना है एंड अपनी फोटो को आपको ऐड कर देना है। इसके बाद आपको चले जाना ऐड फोटो वाले ऑप्शन में। अगर आपके पास ये वाला पिक्सआर्ट एप्लीकेशन नहीं है तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ये दो जोकर की पीएनजी मिल जाएगी, तो पहले इस वाली पीएनजी को हम यहाँ पर लगाएंगे शटर के यहाँ पर एंड ब्लेंड ऑप्शन पर जाकर इसको मल्टीप्लाई में आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद जो आपकी ये सेकंड वाली है इसको लेना है, साइज को बड़ा करना है, यहाँ पर लगाना है एंड ब्लेंड ऑप्शन पर जाके इसको भी आपको मल्टीप्लाई में सेलेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो मल्टीप्लाई में सेलेक्ट कर दिया है एंड इसके बाद आपको ऊपर राइट वाला आइकन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड आपको एक और पीएनजी मिल जाएगी, इस पीएनजी को आपको ऐड कर देना है। तो ये विंग्स की पीएनजी है, इसको हम ऐड करेंगे, साइज को बड़ा कर लेना आपको एंड यहाँ पर कुछ इस प्रकार आपको लगा देना है। ऊपर आइकन दिख जाएगा आपको इरेज वाला, उस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको इरेज वाला सिलेक्ट करना है और कुछ इस प्रकार आपको पहले इरेज करना है। उसके बाद आपको रिस्टोर वाले पे क्लिक करके हार्डनेस को 100 करके कुछ इस प्रकार अपने बैकग्राउंड में आपको ब्रश को चला देना है। इसी प्रकार आपको इधर की साइड पे भी कर देना है। अगर आपको पीएनजी डाउनलोड करनी है इसकी, तो सारी पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है एंड अगेन आपको राइट पे क्लिक कर देना है। अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। आपको एक और पीएनजी दे दूंगा मैं टेक्स्ट की, इसको लेना है, ऊपर की तरफ आपको लगा देना है और ब्लेंड ऑप्शन पे आपको चले जाना है, इसको आपको मल्टीप्लाई में कर देना है। देख सकते हो मल्टीप्लाई में हो गया है। इसके बाद आपको ऊपर आइकन दिखेगा राइट का, राइट आपको कर देना है। अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड आपको एक और पीएनजी दूंगा मैं, ये डेविल वाली, इसको लेना है, ऊपर की तरफ आपको लगा देना है। लगाने के बाद अगेन आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड आपको मैं एक और पीएनजी दूंगा जो पैथ की रहेगी, इसको लेना है एंड कुछ इस प्रकार इस पैथ को आपको नीचे की तरफ लगा देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार मैं इसको थोड़ा सही से कर दूंगा एंड यहाँ पर कुछ इस प्रकार साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। करने के बाद सिंपली ब्लेंड ऑप्शन पर चला जाऊंगा और इसको मल्टीप्लाई में कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ओपेसिटी पर जाके इसकी ओपेसिटी को कुछ 50% के करीब कर देना आपको और इरेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और जो भी आपके शूज पे ये कलर इफेक्ट आ रहा है इसको कुछ इस प्रकार हटा देना है। आपको ये वाला पिक्सआर्ट एप्लीकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर देना। इतना होने बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है, अगेन आपको राइट पे क्लिक कर देना है। तो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो कितना बढ़िया एडिट हो गया है। इसके बाद अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में जाके आपको एक इमोजी दूंगा, इसको लेना है, फ्लिप वाले ऑप्शन पे जाना है एंड इसको फ्लिप कर देना है फोर्थ ऑप्शन से। इरेज वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड कुछ इस प्रकार इसको यहाँ से अपने शूज पे से आपको हटा देना है, नीचे की तरफ आपको ब्रश को चला देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको इसको रखना है। इसके बाद ऊपर आपको आइकन दिख जाएगा राइट का, राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, अगेन आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको बहुत भाई को प्रॉब्लम आती है कि भाई हम कौन सा इफेक्ट लगाए, कोई भाई आपको बताता नहीं है कि कौन सा इफेक्ट लगाना चाहिए। तो चलो मैं आप वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको बताता हूँ कौन सा इफेक्ट लगाना है। सबसे पहले आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है और एफएक्स पर जाके आपको यहाँ एक ग्लिच वाला ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यहाँ से आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, देख सकते हो मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है, ये ग्लिच इफेक्ट हो गया है। अगेन आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, सिंपल वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पर आपको इफेक्ट दिखा देता हूँ मैं। तो मैंने लगाया BRL 4, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से और आपको राइट पे क्लिक कर देना है। तो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो आपकी फ़ोटो बिल्कुल
तैयार हो गई है ओरिजिनल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट।